नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum. Welcome to Nayi Subha Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course. मेरा नाम है सबा गजाली। आज हम सीखेंगे कि हम एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उर्दू में आप एप्लीकेशन को दरख्वास्त के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन क्यों लिखी जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम जानेंगे इस लेसन में। एप्लीकेशन बेसिकली नीड के तहत यानी कि ज़रूरत के तहत लिखी जाती है, और इसके लिखने का मकसद ये होता है कि हमें कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, हम कुछ करना चाहते हैं या हम किसी भी बात की इजाज़त लेना चाहते हैं जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे। तो आइए इसे लिखने का तरीका जानते हैं। मिसाल लेते हैं, जैसे कि मुझे बुखार है और मैं स्कूल नहीं आ सकती, तो इसके लिए मुझे पता है कि मेरे जो टीचर हैं मुझे छुट्टी करने से मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है और स्कूल के रूल्स भी, और उन रूल्स की पासदारी भी मेरा फ़र्ज़ है। तो इसलिए हमें एप्लीकेशन लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे टू कॉमा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे द एकेडमिक हेड ऑफ फाउंडेशन कोर्स, न्यू लाइन में आएंगे नई सुबह इंस्टीट्यूट, न्यू लाइन में आएंगे कराची पाकिस्तान, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट है सिक लीव, यानी के बीमारी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त। नीचे आएंगे, लिखेंगे डियर मैडम कॉमा, यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको मालूम है, यानी कि आप कोई ऐसी सी दरख्वास्त लिख रहे हैं जिसमें आपको मालूम है कि आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं, आप जिससे मुखातिब हैं, वो कौन है, इधर वो आपके चेयरपर्सन हैं या चेयरमैन हैं, यानी कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप उस सूरत में उनको डियर सर डियर मैडम लिख सकते हैं। लेकिन वो सूरत जिसमें आप इस बात से नावाकिफ हैं कि जिससे आप मुखातिब हैं वो कौन होंगे, सर होंगे या मैडम होंगी, यानी कि जैसे कि अगर आप बोर्ड में दरख्वास्त लिख रहे हैं या किसी और ऐसे इदारे में जहाँ पर आप ये बात नहीं जानते कि जिसके लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वो कौन है, तो उस सूरत में आप डियर सर स्लैश मैडम का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नीचे आएंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा, इट इज़ स्टेटेड STATED स्टेटेड, और इट इज़ सेड दैट आई एम द स्टूडेंट of foundation at your institute, full stop. I am having the fever since last night and unable to attend the classes, full stop. Next line, thereby comma, this is requested that kindly grant me the leave of 2 days, two वाला टू आएगा इधर, जो कि मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, दिनों की गिनती की बात करें ना, 2 days 3 days, तो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं और वो कभी कभी टी और टू भी इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days सो दैट आई कैन टेक प्रॉपर रेस्ट एंड विल बी एबल to join the school, full stop. Next line, I shall remain thankful to you, comma,
for this act of kindness. Full stop. Next line में आएंगे, right side पे, yours sincerely or yours obediently or yours faithfully अपना नाम लिखेंगे. जैसे कि अगर मैं अपना नाम लिखूंगी तो मैं लिखूंगी सबा गजाली और नीचे डेट डाल देंगे. तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन. उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा. इसी तरह से जब भी आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखना मकसूद हो तो उसका मैटर आप इसी तरह से सिंपल वेज में ड्राफ्ट कर सकते हैं. ये मैटर इतना लॉन्ग नहीं होता और हमें शॉर्टली ही बताना होता है कि हम क्या चाहते हैं और हमारा मुद्दा या हमारा मसला क्या है. तो इसी के साथ ही हमारा लेसन ख़त्म हुआ. मिलेंगे अगले लेसन में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया. अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए.